हेलो गाइस, मैं प्रियंका, आपका मेरे किचन में स्वागत है। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज हम मूंग दाल का हलवा बनाएंगे। 2 मिनट में फटाफट हम मूंग दाल का हलवा बना के तैयार करेंगे। इस तरीके से हम आपको हलवा बना के दिखाएंगे कि आप 2 मिनट में कैसे शादियों वाला जो हलवा है कैसे बना सकते हैं। बहुत ही टेस्टी बन के तैयार होता है। इस तरीके से रेस्टोरेंट वाले भी बना के देते हैं, जब मर्जी हो कुछ मीठा खाने का। तो फटाफट 2 मिनट में हलवे को बना के आप इस तरीके से तैयार कर लें। चलिए हलवा बनाना शुरू करते हैं। देखिए, हमने जो ये मूंग दाल का हलवा हमने बनाया है, आप देख सकते हैं कि मतलब कितना बेहतरीन और ये टेस्टी बन के तैयार हुआ है। देखिए, इस तरीके से आज हम आपको हलवा बना के दिखाएंगे कि आप कैसे कम मतलब 2 मिनट में आप हलवा जब मर्जी हो बना के आप तैयार करके खा सकते हैं। हलवा बहुत ही फायदा करता है, ये मूंग दाल का हलवा है। जब मर्जी हो फटाफट हलवा बनाओ और खाओ। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इस तरीके से हम आपको हलवा बना के दिखाते हैं, आप कम समय में कैसे हलवा बना सकते हैं। देखिए, हमने ये मूंग दाल ले रखी है। आज हम मूंग दाल का हलवा बिना हम इसे पीसे बिना भिगोए आज हम मूंग दाल का जो हलवा बनाएंगे, बहुत ही बेहतरीन और टेस्टी हलवा बनके तैयार होता है शादी वाला। आप देख सकते हैं ये मूंग दाल हमने ले रखी है। अब इसे हम साफ से अच्छे से धुल लेंगे। देखिए, हमने थोड़ा सा कम एक कटोरी से हमने ले लिया है, जरूरत के अनुसार जितना हमें हलवा बनाना है उसके अनुसार हमने दाल ले रखी है। ठीक है, इसे हम साफ से अच्छे से पहले धुल लेते हैं। देखिए, हमने इसे साफ से अच्छे से धुल लिया है। अब हम लेते हैं जो है कुकर। देखिए, हमने ये कुकर ले लिया। देखिए, हम कुकर में दाल को डाल देते हैं। देखिए, ये जो हमने दाल धुल के ले रखी है, अब ये सारी दालें हम कुकर में डाल देते हैं। इस तरीके से बिना खोए का हम हलवा बनाएंगे, बहुत ही बेहतरीन और टेस्टी बन के तैयार होता है हलवा जो है। बिना मतलब चाशनी बिना खोया का हम हलवा बनाएंगे। देखिए, हमने इसे डाल दिया है कुकर में। अब इसमें हम पानी डाल देते हैं। जिस कटोरी से हमने दाल डाली है उसी कटोरी से हम 2 कटोरी जो है पानी डाल देते हैं। देखिए, ये हमने भर के 1 कटोरी ले लिया है। चूल्हे को ऑन कर देते हैं। अब दूसरी कटोरी भी डाल देते हैं। देखिए, ये दूसरी कटोरी। अब हम कुकर को बंद कर देंगे। देखिए, जो साइड में लगा होगा हम देख लेंगे, ऐसे हमें हिला देना है, लगा नहीं है कहीं। अब कुकर को हम बंद करके 4 सीटी आने तक इसे हम पकाएंगे। देखिए, हम बंद कर देते हैं कुकर को। इसे 4 सीटी आने तक अच्छे से हमें इसे तैयार करना है। देखिए, ये तैयार हो गया। हम चूल्हे को बंद कर देते हैं। देखिए, बहुत तेज से ही मतलब हमने तेज करके रखा था इसलिए फेंक दिया है। अब इसका प्रेशर निकल जाए उसके बाद से हम खोलेंगे इसे। देखिए, प्रेशर निकल गया है, हम कुकर को खोल देते हैं। देखिए, ये कैसे अच्छे से गल गया है। देखिए, इसमें हम इस समय घी डाल देते हैं। उसी के अनुसार हमने 10 चम्मच से हम 2 चम्मच घी डाल देंगे। ये आधी कटोरी हो जाएगा। देखिए, अब हम दूसरा चम्मच डाल देते हैं। देखिए, हमने 2 चम्मच घी डाल दिया है। अब इसे हम अच्छे से पहले ऐसे ही हिलाते हुए हम इसे तैयार करेंगे। बिल्कुल पकड़ेगा नहीं, ये बहुत अच्छे से ये गल जाएगा। देखिए, बिना पीसे झटपट 2 मिनट में ये तैयार हो जाएगा फटाफट। अब इसे अच्छे से पहले हम चम्मच से जो है इसे मथ देंगे। जितने अच्छे से हम इसे मथेंगे उतना ही बेहतरीन जो है हलवा बन के तैयार होगा। देखिए, साइड में जो लगा है उसे हम नीचे कर लेते हैं। आप इस तरीके से जो हलवा बनाएंगे बहुत कम समय लगेगा, बहुत ही टेस्टी हलवा बनके तैयार होता है। देखिए, अच्छे से हमें इसे ऐसे ही करते हुए हम इसे सूखा करेंगे। देखिए, इस समय हम चीनी डाल देते हैं। आप देख सकते हैं ये
कैसे पतला हो गया, हमने इसे बहुत अच्छे से चलाया है। केवल हमने इस बड़े चम्मच से ही हमने अच्छे से इसे बस घुमाते हुए हमने किया है, और हमने कुछ दूसरा नहीं किया है इसमें, मतलब हमने फेटा नहीं डाला नहीं। अब देखिए हम चीनी डाल देते हैं, हमने जितना मतलब डाल लिया था उसी के अनुसार हमने कुछ चीनी ले ली है, मीठे के अनुसार, इतने में मीठा हो जाएगा उसके अनुसार हमने ले लिया है। अब देखिए अब चीनी को हमें अच्छे से गला लेना है, देखिए हमें चीनी को गला लेना है। देखिए ये कैसे दिख रहा था गाढ़ा गाढ़ा, ये पतला होना शुरू हो गया है। ऐसे ही करते हुए हम इसे तैयार करेंगे, बहुत ही टेस्टी हलवा बनके तैयार होता है। मूंग दाल का जो हलवा है आप ऐसे मतलब दाल को पीस के तैयार करेंगे, ज़्यादा समय लग जाएगा, इस तरीके से आप बनाएंगे कम समय में और फटाफट हलवा बना के आप तैयार कर लेंगे। देखिए मतलब कितना ये पतला होने लगा है आप देख सकते हैं। इसी तरीके से हमें इसे चलाते हुए अच्छे से ना बिना भिगोए झटपट देखते हैं आप कम समय में, 2 मिनट में जो हलवा है बहुत ही टेस्टी शादियों में बनने वाला जो हलवा है तैयार हो गया है। देखिए अब इस समय हम दूध डाल देते हैं, हम इसमें ना खोया नहीं डालेंगे, हम दूध डाल के इसे तैयार करेंगे। देखिए उसी कटोरी से हमने नाप के 2 कटोरी हमने दूध ले लिया है मलाई वाला, हम इसे डाल देते हैं। देखिए हमने दूध को डाल दिया है, अब अच्छे से हमें इसे मिला देना है। अब इसमें हम कुछ नहीं डालेंगे, देखिए इस तरीके से हम इसे हलवे को अच्छे से हम चला देते हैं, देख सकते हैं आप ये कैसे पतला हो गया है। अब इसे हमें चलाते हुए अच्छे से हम हलवे को तैयार करेंगे, बिल्कुल छोड़ना नहीं है, फटाफट हलवा जो है बन के तैयार हो जाता है। हम चूल्हे का पॉइंट बढ़ा देते हैं, ऐसे ही चलाते हुए हम हलवे को तैयार करेंगे। आप दूसरे बर्तन में भी निकाल सकते हैं, हम इसमें बना लेंगे। देखिए ऐसे ही चलाते हुए इसे हमें तैयार करना है। देखिए हमने चूल्हे का जो पॉइंट है हमने फुल पे कर दिया है, हमने कम पे मतलब इसे कम पे हमने नहीं रखा है, ये पकड़ेगा नहीं बिल्कुल, हम तेज पे करके ऐसे ही चलाते हुए हलवे को तैयार करेंगे। इस तरीके से चलाते हुए हलवे को तैयार करेंगे, बहुत ही टेस्टी मतलब हलवा जो है बन के तैयार होता है, आप देख सकते हैं। बस हमें कुछ नहीं करना, अब हम लगातार इसे चलाते हुए फूल पे करके चूल्हे को अब इसे हम तैयार करेंगे, हलवे को गाढ़ा करेंगे। ऐसे ही हमें इसे गाढ़ा कर लेना है। देखिए हलवा बहुत ही बेहतरीन और टेस्टी बनके तैयार हुआ है, आप देख सकते हैं कैसे ये तेल छोड़ना शुरू हो गया है। अब इसमें हम डाल देते हैं, 2 मिनट में फटाफट जो हलवा इस तरीके से अब बनाएंगे बहुत कम समय लगेगा, हलवा बनके तैयार हो गया है। अब इसे हम प्लेट में निकाल के आपको दिखाते हैं, बिना चाशनी और बिना मावे के आप इतना टेस्टी जो हलवा है बना सकते हैं। देखिए अब इसे अच्छे से हम मिला लेते हैं, अब इसे हम प्लेट में निकाल लेते हैं हलवे को, बहुत ही बेहतरीन और टेस्टी जो है हलवा बन के तैयार हुआ है, बहुत अच्छे से पक गया है ये। देखिए हमने प्लेट ले रखा है, अब हम प्लेट में हलवे को निकाल लेते हैं, चूल्हे को हम बंद कर देते हैं। देखिए अब इसमें हम हलवे को निकाल लेते हैं, देखिए बहुत ही बेहतरीन हलवा जो है तैयार हुआ है, देख रहे हैं आप ये कैसे मतलब ये चिपक रहा है, आपको यकीन नहीं होगा। शादियों में आप जाते हैं, शादी में आप कुछ मीठा खाने का अगर मन हो, इस तरीके से आप हलवा फटाफट बनाएं 2 मिनट में, और कुछ मीठा खाने का मन हो इस तरीके से बना के आप हलवा खा लें। देखिए हम प्लेट में निकाल लेते हैं हलवे को। देखिए मूंग दाल का हलवा जो है बनके हो गया रेडी, हमने प्लेट निकाला और ये जो मतलब हलवा है बैठने लगा है, घी साइड में निकलने लगा है, अब देख सकते हैं कितना बेहतरीन और टेस्टी शादियों वाला जो और रेस्टोरेंट स्टाइल हलवा जो है बनके तैयार हो गया, बहुत टेस्टी हलवा बनके तैयार हुआ है। अब देखिए इसको हम ऐसे ही हम सजा देते हैं हलवे को। अगर आपको रेसिपी समझ में आए तो वीडियो को लाइक करें,
चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।